बाबा साहब का सपना था पहले तो मैं आपको, आप तो खैर इतिहास के बहुत अच्छे राइटर भी हैं, सब कुछ हैं, अच्छे से पढ़ते भी हैं, सब चीज़ें करते हैं। पहले महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था जी। बाबा साहब का सपना था कि बहुजन समाज के लोग और खासतौर से महिला बाहर निकलें, और वो कार्य करा बहन कुमारी मायावती ने। तो इसके बारे में क्या विचार है आपका, वो बताएं, क्या ये सार्थक, कहाँ तक ये बाबा साहब का सपना साकार हो पाया है उसको बताएं। देखिए, आप इसको सिर्फ बाबा साहब ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि ज्योतिबा फूले तक लेके जाइए, कम से कम आधुनिक इतिहास में ज्योतिबा फूले तक लेके जाइए, वहाँ पे देखिए कि इस देश के अंदर किस तरह की जालिम जातीय व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के अंदर महिलाओं को पैर की जूती, क्या पैर की जूती को भी आप झाड़ पोछ के ठीक से रखते हैं, उसका भी जो है आप देखते हैं एक समय पर उसको भी आप बहुत सम्मान के साथ अपने घर के अंदर ठीक से रखते हैं, लेकिन महिलाओं को बिल्कुल गुलाम की तरह रखा गया। बाबा साहब ने यहाँ पर लिखा कि मनुस्मृति जब लागू हुई उसके बाद से महिलाओं को गुलाम बना लिया गया। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने इसके लिए ऐतिहासिक संघर्ष शुरू किया और महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले, महिलाओं के लिए ना सिर्फ शिक्षा के द्वार खोले बल्कि सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें महिलाओं को बराबर के का भागीदार बनाया गया। उसके बाद हमारे जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें महिलाओं को बराबरी का स्थान मिलता है, वो कंधे से कंधे मिला के आगे चलते हैं। और बाबा साहब ने इस बात को कहा कि मैं किसी भी समाज की प्रगति इस आधार पर आंकूंगा कि वहाँ पे महिलाओं का कितना विकास हुआ है। अगर महिलाएं पीछे हैं, अगर महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेकार है, तो फिर उस समाज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए माननीय कांसीराम साहब ने जब बहन जी को आगे बढ़ाया, जब बहन जी के संघर्ष को देख के, उनके त्याग को देख के उन्हें आगे बढ़ाया, तो बहन जी ने वास्तव में महिला सशक्तिकरण के रूप में जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे नज़र में आती है बहुजन समाज से, वो बहन जी होती हैं। जो उनके ऊपर विश्वास माननीय कांसीराम साहब ने दिखाया, उस विश्वास को बहन जी ने बहुत अच्छे से, मैं समझता हूँ बहन कुमारी मायावती ने बहुत अच्छे से निभाया, और आज भी वो ना सिर्फ महिला के रूप में बल्कि भारत की सबसे सशक्त राजनेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुकी हैं। आज उनके पास हो सकता है कि लोकसभा में एक भी सीट ना हो, लेकिन उनकी ताकत देखिए, उनका जो क्लाउट है, पॉलिटिकल क्लाउट है, वो देखिए कि उनका नाम देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। बहुत सारे लोग उनको देश का भावी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि ये वीडियो लाइव चल रहा है और हमारे साथ प्रोफेसर राजकुमार जी हैं। अगर आप भी साहब काशीराम जी के बारे में या बहन कुमारी मायावती के बारे में या किसी भी बहुजन समाज की मूवमेंट के ऊपर बात करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो बात आपके रूबरू करी जाए और आपसे हम उसका जवाब दें।